सूरत के लोगों पाव भाजी खा के कंटाल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये कुछ नया करते हैं पाव के अंदर। तो मैंने घर पे ट्राई किया, बाद में सबको पसंद आया, बाद में मैंने लॉन्च किया कि अब ये आइटम चालू करनी है। इधर शाम को बहुत भीड़ होती है, मेरा सब माल ख़त्म हो जाता है। इसकी प्राइस है 130 रुपीज़, दो पीस आएंगे एक प्लेट में। ये अपनी पन्नी भाजी है, सूरत में कहीं नहीं मिलती, ये मैंने ही बनाई है पन्नी भाजी। इसके फ्रेश पाव अपन बनाते हैं। ये बीच में से कट हो रहा है और इसमें अपन का स्पेशल स्टफिंग जाएगा जो हम होममेड बनाते हैं। सूरत के लोगों पाव भाजी खा के कंटाल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये कुछ नया करते हैं। इसकी प्राइस है 130 रुपीज़, दो पीस आएंगे एक प्लेट में। अब इसमें अब स्टफिंग भरेंगे। ये एक रेगुलर ग्रेवी है, ऐसे देखो तो भाजी है, ये भाजी भाजी जाती है और चीज़ वाला स्टफिंग जाता है। इसके अंदर भाजी आ चुकी है, अब ये चीज़ वाला स्टफिंग जाएगा। ये मेरी आइटम है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। भाजी तो हर लोग खाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा ऐसा कुछ डिफरेंट करते हैं। लोग पाव भाजी खा खा के बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा ये कुछ नया आइटम निकालते हैं। अब इसमें प्याज जाएगा। अब शिमला मिर्च जाएगा। अब मसाले जाएंगे। अब चीज स्लाइस जाएगी। अब बटर जाएगा। ये अब नीचे से क्रिस्पी होगी और ऊपर से चीज मेल्ट होगी। अब इसमें मिर्च जाएगी। अब इसमें धनिया जाएगा। अब ये 5 से 10 मिनट इसको सीखने में होगा। मैं 5 साल से ये लाइन में हूँ। मैं घर से पंजाबी वो सब भी बनाता था, बाद में इधर आया कि पाव भाजी और ऐसा चालू करे, लेकिन पाव भाजी तो सब लोग खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं पाव के अंदर। तो मैंने घर पे ट्राई किया, बाद में सबको पसंद आया, बाद में मैंने लॉन्च किया कि अब ये आइटम चालू करनी है। 5 मिनट के बाद अब ये बेक हो चुका है, ये नीचे से क्रिस्पी रहेगा और चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब ये बीच में से कट होगा। अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद है तो आप हमारे वहाँ आइए, हम आपको ऐसे ही आइटम सब खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया। ये प्लेट हो गई है रेडी अपनी, इसके साथ हम देते हैं फ्रेश सलाद। ये ऑनियन आ गया, ये टमाटर, ये मसाला आ गया, पूरी अपनी रेडी है पन्नी भाजी। एड्रेस है संगिनी सर्कल नियर मिनी गोवा के सामने, अलथान भीमराज रोड, सूरत।